हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी और आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाला लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और समझा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है और डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आज के लेक्चर में कि जो ड्रॉ होता है उसके पास बिल को लेकर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से उसकी अकाउंटिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो ड्रॉ के पास होता है बिल को लेकर वो है रिटेन टिल मैच्योरिटी। इसका क्या मतलब है समझते हैं। मान लीजिए कि ड्रॉ के पास 3 महीने का बिल रखा हुआ है तो ड्रॉ जो है 3 महीने तक बिल को अपने पास रखा रहेगा और 3 महीने के बाद ड्रॉई के पास जाएगा और उसको बिल देगा और उससे पैसे ले लेगा। इसको हम कहते हैं रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी तक बिल अपने पास रखे रहना। ठीक है, ये हो गया पहला केस। इसमें एंट्रीज कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे। दूसरा है सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अब आप खुद जाके ड्रॉई के पास पैसे नहीं लेंगे बल्कि आप ये काम अपने बैंक को दे देते हैं और आप कहते हैं कि आपके बिहाफ पे बैंक जो है वो बिल का पेमेंट कलेक्ट करे। ऑब्वियस ही बात है कि बैंक ये काम जब करेगा तो उसके कुछ आपसे चार्जेस लेगा। ठीक है, तो पहला वाला जो केस था उसमें आप खुद जा रहे हैं, दूसरे वाले केस में आप बैंक को बोल दे रहे हैं कि बैंक चला जाएगा। ठीक है, थर्ड केस इज डिस्काउंटेड विद बैंक। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए का बिल है और आपको पैसों की अभी जरूरत है, पेमेंट मिलना है 3 महीने बाद, तो आप बैंक के पास ये बिल लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये बिल आप रखो, हमें अभी पैसे दे दो। तो बैंक यहाँ पे आपको कहता है कि ठीक है, हम आपको अभी पैसे दे देते हैं मगर उसके लिए हमको आपसे इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे 3 महीने का, क्योंकि ये पैसा बैंक को तो 3 महीने बाद मिलना है, बैंक आपको अभी दे रहा है। तो 3 महीने पहले आपको पैसे मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है बैंक क्या करेगा, आपसे 3 महीने का इंटरेस्ट लेगा। इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो आप क्या करा रहे हैं, बैंक से डिस्काउंटिंग करा रहे हैं और बैंक वहां पे आपसे जो इंटरेस्ट लेता है उसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, इन सब की जनरल एंट्रीज हम देखेंगे, डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए अब चौथा केस देखते हैं क्या है। चौथा है एंडोर्स टू अनदर पार्टी। अब आपके पास 100 रुपए का बिल रखा हुआ है 3 महीने बाद का, अब आपका क्रेडिटर आपके पास आता है, आपको जिसे पैसे देने हैं वो आपके पास आता है और पैसे लेने के लिए, तो आप क्या करते हैं, वो जो बिल आपके पास रखा हुआ है वो बिल उठा के उसको दे देते हैं कि भैया ये लो और ये आप पैसे ले लेना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोर्समेंट, मतलब एंडोर्स कर रहे हैं, आप अपना बिल जो है किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 केसेस हैं जिसके हमें अकाउंटिंग सीखनी है, जर्नल एंट्री सीखनी है। आज के इस लेक्चर में हम 2 केसेस की जर्नल एंट्री देखेंगे, पहला रिटेन टिल मैच्योरिटी और दूसरा सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगले लेक्चर में हम डिस्काउंटिंग की और एंडोर्समेंट की जर्नल एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लें 4 केसेस को, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम यहां पे सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे रिटेन टिल मैच्योरिटी। Retained
till maturity. अब रिटेन टिल मैच्योरिटी में अब आपके पास दो पार्टीज हैं, कौन कौन सी, एक है ड्रॉअर और दूसरा है ड्रॉयर, जिनकी बुक्स में हमको एंट्रीज करनी है. तो हम देखते हैं सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर की बुक्स में किस तरह की एंट्रीज होंगी, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल की मदद से समझेंगे. ठीक है, एग्जांपल चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं. हम लिख देते हैं कि राम सोल्ड सम गुड्स टू श्याम फॉर रुपीस 100 एंड ड्रू द बिल फॉर द सेम. द बिल was accepted by श्याम. श्याम ने क्या किया, बिल एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, द बिल was retained till maturity and was honored. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि राम ने बिल जो है अपने पास रखा. ठीक है, कितने महीने का है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कितने महीने का भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्रीज आपकी सेम रहेंगी. तो उसने मैच्योरिटी तक बिल अपने पास रखा और फिर आखिर में वॉस ऑनर्ड का मतलब है कि उसका पेमेंट हो गया. तो हम देखेंगे कि ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी. ड्रॉअर यहाँ पे कौन है, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे राम जो है वो ड्रॉअर है, वो ही बिल बनाएगा, वो ही गुड्स बेच रहा है, वो ही कौन है, क्रेडिटर. ठीक है, तो ड्रॉअर की किताबों में क्या होगा देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉअर कौन है, राम, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको. तो राम ने क्या किया है, किसको गुड्स बेचे हैं, श्याम को बेचे हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे श्याम टू सेल्स. ठीक है, कितना 100 रुपए. आपको बेसिक्स मालूम होंगे कि यदि श्याम का इधर आपको डेबिट बैलेंस दिख रहा है, हमने इसको डेबिट किया, अगर लेजर बनाएंगे तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा. तो ये जो डेबिट है ये बता रहा है कि हमें श्याम से पैसे लेने हैं. किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये बताता है कि हमें उससे पैसे लेने हैं. तो श्याम से आपको पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, 100 रुपए. अब श्याम ने क्या किया, आपको बिल दे दिया, आपने बिल बनाया, उसने एक्सेप्ट किया, आपको दे दिया. तो अब आपके पास बिल आ रहा है. वैसे अगर कैश आता तो हम क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम. अब यहां पे कैश नहीं आ रहा है बल्कि बिल आ रहा है. तो आप यहां पे बिल को बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल. क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल. तो यहां पे मैं बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट में लिख रहा हूं बीआर. तो बीआर अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितना. ठीक है, यहां समझ में आया, सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, श्याम से पैसे लेने थे. ठीक है ना, श्याम से पैसे तो नहीं मिले बल्कि क्या मिल गया, बिल मिल गया. तो अभी तक आप श्याम को एसेट मान रहे थे, आप बोलते थे श्याम का डेबिट बैलेंस मतलब श्याम आपके लिए क्या है, एसेट है. ये श्याम को डेबिट किया, श्याम को क्रेडिट किया, श्याम का अकाउंट क्लोज हो गया, एक नया अकाउंट आ गया बीआर. पहले आपके लिए श्याम एसेट था, अब आपके लिए श्याम एसेट नहीं है बल्कि बिल्स रिसीवेबल एसेट है. एसेट का फॉर्म चेंज हो गया, गेटिंग माय पॉइंट. अब आपको पैसे जो लेने हैं वो इस बिल से पैसे लेने हैं, लेने श्याम से ही है, मगर ये बिल अपने आप में आपके लिए एसेट है, ये लेके जाएंगे, ये देंगे और फिर पैसे मिलेंगे आपको. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहां पे ये तो आपको बिल मिल गया. अब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जितना भी 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने बाद जब भी आप जाएंगे और आप बिल पेश करेंगे उसके सामने, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 100 रुपए. ये हो गया आपका
इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ. क्या किया मैंने, पहले श्याम को गुड्स बेचा, उससे क्या मिल गया, बिल मिल गया. तो बिल मिल गया तो हमने क्या कर दिया, बिल्स रिसीवेबल टू श्याम, श्याम का अकाउंट क्लोज हो गया. अब यहां पे आइए, आप इसको एसेट मान रहे थे, अब ये भी आपका अकाउंट क्लोज हो गया. क्यों, क्योंकि आपको क्या मिल गया, कैश. कैश आया, बिल गया. यहां पे बिल मिल रहा था तो डेबिट किया था, अब यहां पे बिल चला गया, उसकी जगह क्या आ गया, कैश आ गया. तो यहां पे आपका श्याम अकाउंट भी क्लोज हो गया, बिल अकाउंट भी क्लोज हो गया. क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, अब आइए और देखते हैं कि ड्रॉई की बुक्स में क्या होगा. तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, देखिए सबसे पहले ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, तो ड्रॉई ने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, तो उसने खरीदे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे हैं, राम से खरीदे हैं. तो राम उसके लिए अभी क्या दिख रहा है आपको, लायबिलिटी दिख रही है, क्योंकि राम का क्रेडिट बैलेंस है. अभी अभी मैंने बताया, जिस भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है वो हमारे लिए एसेट है, जिस भी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो हमारे लिए लायबिलिटी है. तो राम हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है. ये लायबिलिटी को हम खत्म करेंगे कैसे, उसको बिल देके. तो यहां पे हम उसको बोलेंगे बिल्स पेबल, ना कि बिल्स रिसीवेबल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा. ड्रॉई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बिल को बिल्स पेबल बोलेगा, बाकी सारे लोग बिल को बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे, केवल और केवल ड्रॉई क्या बोलेगा, बिल्स पेबल. ठीक है, तो अब राम आप देख रहे हैं कि ये राम जो है ये लायबिलिटी था और ये लायबिलिटी अब हमारी खत्म हो गई. ठीक है, मगर एक नई लायबिलिटी आ गई जिसका नाम है बिल्स पेबल. अब ये लायबिलिटी भी अंत में खत्म होगी जब आप पेमेंट कर देंगे. तो जब आप पेमेंट करेंगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल आपने लिया और पैसे दे दिए, तो टू कैश कितना, 100. समझ में आया, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है. यहां पे भी आप देखेंगे तो ये लायबिलिटी थी, ठीक है, ये लायबिलिटी खत्म, दूसरी लायबिलिटी आ गई वो भी खत्म. जब पैसे दे दिए तो लायबिलिटी खत्म हो गई, जब तक पैसे नहीं दे रहे हैं तब तक लायबिलिटी का केवल फॉर्म चेंज हुआ. पहले राम लायबिलिटी, फिर बिल्स पेबल लायबिलिटी, फिर बिल्स पेबल लायबिलिटी भी खत्म हो जाती है जब आप पैसे दे देते हैं. उसी प्रकार से यहाँ पे पहले श्याम आपके लिए एसेट था, श्याम खत्म हुआ तो क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल आपके पास एसेट हो गया. फिर अंत में क्या हुआ कि उसके भी पैसे मिल गए तो वो भी आपका एसेट, बिल्स रिसीवेबल भी खत्म हो गया. सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल आता है. तो ये हो गया आपका रिटेन टिल मैच्योरिटी. अब हम दूसरा देख लेते हैं, क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन. तो इसको मैं रब कर रहा हूं, यदि आपने नोट डाउन नहीं किया तो पॉज कीजिए, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़े. तो ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे. हाँ, यहां पे भी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ देख लेते हैं हम, और यहां देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ. सेम क्वेश्चन वैसा ही ले लेते हैं. राम सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर द पीस 100. ही drew the bill for the same, which was accepted by, किसने accept किया, श्याम ने accept किया. राम sent the bill for collection, which was honored on maturity. क्या मतलब निकला इसका, समझ लेंगे बहुत अच्छे से. राम ने गुड्स बेचे श्याम को, ठीक है, बिल मिल गया. अब ये बिल राम खुद अपने पास रखने की बजाय किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है कलेक्शन के लिए.
कि आप हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैंने बैंक चार्जेस नहीं लिए हैं, बैंक चार्जेस अगर होंगे तो क्या एंट्री होगी वो भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस रुपीज 3, 3 रुपए बैंक ने बैंक चार्जेस लिए। तो देखते हैं क्या होगा उस केस में। तो बैंक हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है, मगर उसके लिए वो क्या करेगा, हमसे कुछ न कुछ पैसे चार्ज करेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ, ड्रॉ यहाँ पे कौन है, राम, ड्रॉई कौन है, श्याम, ठीक है। तो राम की बुक्स में क्या होगा, राम ने किसको गुड्स बेचे, श्याम को। तो हमने क्या लिखा, श्याम टू सेल्स, कितना 100, ठीक है। श्याम से पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, 100 रुपए, साफ समझ में आ रहा है। श्याम से बिल मिल गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अभी कौन सा नया अकाउंट आ गया, इसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। अब आप क्या कर रहे हैं, ये बिल आप बैंक को दे दे रहे हैं कलेक्शन के लिए। तो यदि मैं आपसे पूछूं, आमतौर पे मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि बताओ अब हम बैंक को दे रहे हैं यही बिल कलेक्शन के लिए, तो एंट्री क्या होगी, तो स्टूडेंट्स आमतौर पे बोलते हैं सर बड़ा सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्योंकि बैंक को दे रहे हैं, बैंक इज द रिसीवर और बिल हमारे पास से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। मगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट करना इसका मतलब है कि बैंक में पैसे आ गए हैं। बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक में पैसे आगे चल के आएंगे, अभी तो हमने दे दिया है, अभी मैच्योरिटी डेट तो दूर है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद पैसे आएंगे, तो अभी हम बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब गलत हो जाएगा यदि हम बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर लिखेंगे, उसका मतलब ये निकलेगा कि हमारे बैंक में पैसे आ गए हैं, पैसे नहीं आए हैं। तो क्या लिखना चाहिए, हमें ऐसा कुछ लिखना चाहिए जिसे कि ये मतलब नहीं निकलना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये बिल हमारे पास से गया है, हमने कलेक्शन के लिए दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब आपके पास से ये भी चला गया, ये देखो श्याम अकाउंट बंद हुआ डेबिट क्रेडिट, बीआर अकाउंट भी बंद हुआ, कौन सा नया अकाउंट आ गया, बीएसएफसी। अब आपके लिए ये बीएसएफसी ही आपका एसेट है, गेटिंग माय पॉइंट, इज इट क्लियर। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी और बैंक आपके बिहाफ पे जब पैसे कलेक्ट कर लेगा तो आपको डेफिनेटली पैसा मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको पैसा मिल गया, मगर बैंक ने उसके एवज में बैंक चार्जेस आपसे चार्ज किए, तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान देना बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको 100 नहीं मिलेंगे क्योंकि 3 रुपए बैंक ने चार्जेस ले लिए आपसे, तो आपको मिलेगा 97। और यहां मैं लिखता हूं बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 3 रुपए टू बी एस एफ सी, कितना 100। बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है तो मैंने डेबिट कर दिया, आपको मिले कितने 97, बिल कितने का था 100 रुपए का। अगर यहाँ पे बैंक चार्जेस नहीं होता तो हम सिंपल सी एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएसएफसी, बस। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको, बहुत आसान है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस आप जरूर फॉलो करेंगे कि श्याम का अकाउंट पहले ओपन हुआ बंद हो गया, क्या आ गया बीआर, बीआर का अकाउंट ओपन हुआ वो भी बंद हो गया, कौन सा आ गया बीएसएफसी, बीएसएफसी भी अल्टीमेटली बंद हो गया क्योंकि आपको पैसे मिल गए। अब बात करते हैं कि ड्रॉई जो है इसकी बुक्स में क्या होगा, तो ड्रॉई की बुक्स में एकदम आसान होता है। आप ये जो चारों केस देखे हैं ना, रिटेन टिल मैच्योरिटी, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, डिस्काउंटिंग और एंडोर्समेंट, सारे केसेस में ड्रॉई की बुक्स में एंट्री सेम होगी, बिल्कुल आसान है। क्या एंट्री होगी, यहाँ पे उसने परचेज किया तो क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, राम से, कितने के गुड्स, 100 रुपए के,
फिर राम को उसने क्या किया, बिल दे दिया, राम टू बिल्स पेबल। कितने का बिल दिया, 100 रुपए का। अल्टीमेटली बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, डन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं। दोनों केस हम देख चुके हैं, रिटेन टिल मैच्योरिटी और बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, एक बार फिर से इस लेक्चर को देखिए, और अगले लेक्चर में हम जो रिमेनिंग दो केसेस हैं उनको कवर करेंगे, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आया है तो थम्स अप करें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब भी हम नए लेक्चर अपलोड करें। ठीक है, तो बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।